वेलकम फ्रेंड, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भोला से डीजल मैकेनिक में। तो फ्रेंड, आज का जो हमारा वीडियो है वह है पैंडल वाल यानी ब्रेक वाल के ऊपर है वीडियो हमारा, जो कि इस ब्रेक वाल में प्रॉब्लम आया था। तो इसके लिए हम आप लोगों के सामने ये प्रॉब्लम रखना चाहते हैं और इसका सोल्यूशन भी दूर करने का भी आपको सलाह देना चाहते हैं हम लोग। तो फ्रेंड, ये जो रबड़ देख रहे हैं आप लोग, ये रबड़ की वजह से इस प्रॉब्लम ये था कि गाड़ी में ब्रेक रिलीज नहीं हो रहा था, जो कि हम लोग यहाँ से ब्रेक पैडल से ब्रेक मार रहा था ड्राइवर यानी गाड़ी चालक, और ब्रेक पूरा हमारा कम्प्लीटली लग नहीं रहा था यानी रिलीज नहीं हो रहा था। तो फ्रेंड, इसी के ऊपर ये वीडियो है। तो ये रबड़ मैंने दिखाया, जो ये एक मामूली सा रबड़ आप लोग देख रहे होंगे कि ये मामूली सा रबड़ है, मगर इससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था। हम लोग ब्रेक भी सेटिंग किए और ब्रेक भी सेटिंग करने के बाद भी नतीजा यहाँ पर मिला कि हमारा ब्रेक पैडल जो है बैठ जाता था ब्रेक मारने से, जो कि ऊपर से आपको पता है कि ब्रेक पैडल जब दबाते हैं तो रिलीज करना चाहिए पूरा हमारा, तो रिलीज नहीं हो रहा था, जो कि रेचर रिलीज होना चाहिए, तो केम रेचर जो रिलीज नहीं हो रहा था तो ब्रेक नहीं लग रहा था। तो इसके ऊपर ये वीडियो है। तो फ्रेंड, ये देख सकते हैं कि सबसे पहले हम लोग पिस्टन को तैयार करते हैं, और इसमें दो रिंग बड़ी आएंगी और एक छोटी रिंग आएगी। तो इसको पहले हम लोग तैयार करते हैं और उसके बाद दिखाते हैं कि कैसे इसको फिटिंग करना है। तो फ्रेंड, हमारे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को ऑल पे प्रेस करें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास मिलता रहे, और वीडियो को लास्ट तक देखें तो ही आपको पता चलेगा। तो फ्रेंड, इसमें देखा आपने, अभी दिखाता हूँ मैं कि ये रबड़ है जो, इसको महत्व बहुत ज़्यादा है ब्रेक पैडल के अंदर में। अगर ये रबड़ हमारा अगर फेल हो जाता है यानी इसका जो हार्डनेस कम हो जाता है तो ब्रेक हमारा रिलीज सही से नहीं होगा, जो कि आपके पास नुकसान भरने का बहुत बड़ा हो जाता है। आपके पास ऐसा आता है प्रॉब्लम, जो कि गाड़ी चालक आते हैं बोलते हैं मेरा ब्रेक नहीं लग रहा है, ब्रेक जो पैडल बैठ जाता है, तो इसी के कारण होता है। और ये जब बड़ा पिस्टन हम लोग देख रहे हैं आप लोग, ये पिस्टन जो होता है, अगर हमारा ब्रेक पैडल जाम कैसे हो जाते हैं, आपने देखा होगा, आपके पास प्रॉब्लम आया होगा ऐसा कि आगे से पीछे तक का ब्रेक जो है जाम हो गया और छोड़ नहीं रहा है। तो ये जो इस पिस्टन है, ये पिस्टन के कारण हमारा ब्रेक जाम होता है, जो कि पिस्टन और स्प्रिंग दबा का दबा रह जाता है अंदर में, जो कि वर्किंग नहीं करता है तो ब्रेक छोड़ नहीं पाता है। तो इसके लिए ये काम करता है ये। तो आप लोगों के पास ऐसा दो प्रॉब्लम आता है कि कभी ब्रेक रिलीज नहीं हो रहा है, यानी गाड़ी चालक बोलता है कि भाई हमारा ब्रेक रिलीज नहीं हो रहा है यानी ब्रेक लग नहीं रहा है, तो वो रबड़ को ध्यान देना है कि वो रबड़ का हार्डनेस कम तो नहीं हो गया। अगर रबड़ का हार्डनेस कम हो गया तो उसको दूसरा डालकर आप लोगों को सही करना है, तो उससे क्या होगा, आपका ब्रेक सही लगने लगेगा, रिलीज होने लगेगा। अब दूसरा चीज़ आता है आपके पास, दूसरा चीज़ ये आता है आपके पास कि ब्रेक हमारा जाम हो जा रहा है, ब्रेक गाड़ी चालक बोलता है कि हमारा ब्रेक करता हूँ और ब्रेक करने के बाद ब्रेक जाम होता है। तो इसको खोलने के बाद उसको देख लेना है, ये पिस्टन में जो रिंग डाल रहे हैं इसी का। तो चलिए, इसमें दो फाइबर की रिंग और एक रबड़ की रिंग आती है, उसको भी डाल लेते हैं। तो देखा आपने, बीच में रबड़ की रिंग आती है और दो फाइबर की रिंग आती है, तो इसको भी हम लोग डाल लेते हैं। इसमें तोड़ कर डालना पड़ता है, ये फाइबर की रिंग जो आती है इसको तोड़ कर डालना पड़ता है। तो इसमें रबड़ का मैंने डालने का दिखाया, मैंने सबसे पहले रबड़ हम लोग डाला था, उसमें फाइबर की एक कवर आती है उसको डाला मैंने। अब इसके अंदर देखा आपने कि डाल दिया, अब इसको देखते हैं, इसको क्या करते हैं फ्रेंड कि इसमें भी एक रिंग आएगी बड़ी और एक छोटी आएगी। तो ये भी बहुत पिस्टन की काम करता है, और इसमें पूरा कम्प्लीटली मैंने इस पर ऊपर पहले भी वीडियो बनाया है और उसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप लोग उसको भी देख लेना है। और इसमें भी मैं बता रहा हूँ, सब करके दिखा रहा हूँ आपको। तो ये देखा आपने, फाइबर की कवर है जो, इसको मैं क्या करता हूँ, इसमें दो रिंग आएंगी, एक अंदर में एक बाहर में, तो इसको भी डाल लेते हैं हम। तो ये देखा आपने, एक अंदर में रिंग आई रबड़ की रिंग ब्लैक कलर की और एक बाहर में, तो ऐसा दो कवर आता है। तो इसको भी सेम प्रोसीजर वही है, एक अंदर एक बाहर रिंग डाल लेते हैं हम लोग। तो फ्रेंड, जब भी आपके पास ऐसा प्रॉब्लम आता है कि ब्रेक रिलीज नहीं होता है, ब्रेक पैड ब्रेक पकड़ लेता है, तो इसको आप लोगों को ध्यान देना है इसमें। अब देख सकते हैं, ये हो गया कंप्लीट। अब दिखाते हैं आपको कि बॉडी के अंदर कैसे डालना है, कैसे रखना है। तो बॉडी के अंदर सबसे पहले फ्रेंड आपको क्या करना है, ग्रीस लगाना है। ग्रीस नहीं रहेगा तो ये क्या होगा, इस पिस्टन जो बड़ा पिस्टन हमारा है और स्प्रिंग, वो वर्किंग के टाइम में क्या होगा, उसमें जंग लग जाता है या कोई चीज़ पानी वानी का जंग लग जाता है, तो वो वर्किंग नहीं करता है। इसके लिए हमारा ब्रेक जो होता है वो जाम हो जाता है, तो इसके कारण होता है। तो इसको दूर करना है तो सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, ग्रीस लगा लेते हैं हम लोग। ग्रीस लगा कर इसमें बॉडी में भी थोड़ा ग्रीस लगाएंगे, पिस्टन के ऊपर भी ग्रीस लगाएंगे और उसको भी फिट करेंगे। तो इसका भी दिखाता हूँ कैसे इसमें स्प्रिंग आएगा और कैसा इसमें थोड़ा सा इस पर ग्रीस लगा कर चिपका लेते हैं रबड़ फाइबर की रिंग को। तो ये देखा आपने, ये
स्प्रिंग जो है बड़ा स्प्रिंग और ये पिस्टन, तो यही पिस्टन की मैं बात कर रहा था फ्रेंड। ये देख सकते हो वर्किंग में करके देख रहे हैं हम लोग ताकि ये काम कर रहा है कि नहीं, तो ऐसे चेक करना भी ज़रूरी है। तो यही पिस्टन की बात कर रहा था कि जब आपका ब्रेक पैडल जाम हो जाता है तो ये पिस्टन की वजह से ही हमारा ब्रेक पैडल जाम होता है, यानी ब्रेक जाम होता है, जो फ्रंट का भी जाम होगा और रियर का भी जाम होगा। ये अगर काम करना छोड़ देगा तो, यानी वर्किंग नहीं करेगा तो फ्रंट और रियर ब्रेक जाम कर देगा। तो इसमें भी रबड़ की रिंग और एक लॉक आती है, लॉक को भी डाल लेना है। तो ये रबड़ की रिंग क्यों देता है, ये आपने देखा कि किस तरह से दिख रहा है, ये प्लेट के जैसा दिख रहा है, इसलिए देता है फ्रेंड ताकि इसके अंदर कोई पानी का अक्स ना जाए। अगर पानी चला जाएगा तो ये पिस्टन को जाम कर देगा। अब यहाँ पे मैं देख सकते वर्किंग करके देख रहे हैं इस तरह से फ्रेंड हमारा पैडल जो होता है वर्किंग करता है जब हम लोग ब्रेक छोड़ते हैं या दबाते हैं तो। अब चलिए दूसरा प्रोसीजर ये है, पिस्टन स्प्रिंग और प्लास्टिक का कवर जो इसका है ये डालना है। तो चलिए दिखा देते हैं आपको। अब यहाँ पे देखा पिस्टन और ये प्लास्टिक की कवर और स्प्रिंग, इसके बाद एक लॉक। तो फ्रेंड ये पिस्टन कब काम करता है हमारा, जब ब्रेक पैडल काम देखा आपने, ये देख सकते हैं ये है स्प्रिंग का, ये फ्रेंड हमारा पिस्टन का जो ऊपर के साइड में देता है जो कि ये कट जाने के कारण रबड़ देता है, तो इसका भाग अगर कट जाता है हमारा तो ही हमारा लीकेज होने लगता है कि जैसे कि बिना ब्रेक किए हुए प्रेशर अपने आप निकलने लगता है, तो इसी कारण निकलता है क्योंकि हमारा जो प्रेशर है वो निकलने का कारण यही होता है कि ये पिस्टन हमारा कट जाता है तो ही, क्योंकि इसमें थोड़ा सा तो भाग देता है रबड़ का ताकि हमारा हवा को रोक के रखे, और रोकेगा नहीं तो ये लीकेज करना ही है। तो उसका सीट जो होता है फ्रेंड, सीट कट जाने के कारण ही हमारा लीकेज होता है, तो इसमें बहुत कम देता है सीट इसका। तो चलिए दूसरा भी हम लोग डाल लेते हैं, सबसे नीचे का डाल लेते हैं। और फ्रेंड बात ये आती है कि ये पिस्टन हमारा ब्रेक के टाइम में काम कैसे करता है, तो फ्रेंड ये जो हमारा प्रेशर होता है एयर प्रेशर को रोक के रखता है। जैसे ही हम लोग ब्रेक करते हैं तो ये पिस्टन वर्किंग करता है और वर्किंग करके हमारा ब्रेक लाइनों में जो देता है ब्रेक के लिए हवा छोड़ता है, तो ही जाके हमारा ब्रेक काम करता है। तो इसका यही काम है। तो दोनों आपके दिमाग में चला होगा दोनों पिस्टन काम कैसे करता है, तो फ्रेंड उसका भी है जो कि एक बीच का पिस्टन आता है उसको भी मैं डालकर दिखाऊंगा कि उसके वजह से दोनों पिस्टन आपस में खुलती हैं और खुलने के बाद हमारा ब्रेक में हवा देती है। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है फ्रेंड, कभी भी आपके पास ऐसा प्रॉब्लम आता है कि ब्रेक पैडल हमारा जो है दब, यानी ब्रेक दबता है वर्किंग करता है मगर ब्रेक रिलीज नहीं होता है, तो मैंने रबड़ बताया उस रबड़ को आप लोग को चेंज कर लेना है, आपका सोल्यूशन प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, सोल्यूशन मिल जाएगा आपको, प्रॉब्लम दूर करने का यही है। दूसरा नंबर में कि बड़ा पिस्टन मैंने दिखाया स्प्रिंग बड़ा पिस्टन, अगर ब्रेक फ्रंट रियर का जाम होता है तो उसको खोलकर सर्विस अच्छे से कर देंगे आप, तो आपका प्रॉब्लम दूर। अब ये देख सकते हैं कि कंप्लीट हमने कर दिया है। अब इसके पिस्टन डालेंगे जो जिसमें दो रिंग और एक बड़ी दो रिंग आएंगी, छोटी एक रिंग आएगी, तो उसको भी डालकर दिखाएंगे। वो पिस्टन जब काम करता है फ्रेंड तो दोनों ये देखते हैं कि ये पिस्टन जो है हमारा जैसे ही हम ब्रेक करते हैं तो ये पिस्टन दोनों पिस्टनों को खोलता है। ये जो है ब्रेक का हमारा मेन प्रोसीजर यही है कि दोनों को खोलता है पिस्टन को, तो ही हमारा ब्रेक लाइनों में हवा जाती है और हवा जाने के बाद ही हमारा ब्रेक काम करता है। तो दो छोटे छोटे पिस्टन आपने देखा किस तरह से उसका काम है, कैसा काम है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो भी बताइएगा, इसके लिए छोटा सा वीडियो मैं बना दूंगा, आप लोगों को बता दूंगा कि किस तरह से ये काम करता है, किस वजह से वर्किंग करता है। तो ये पिस्टन आप लोग देख रहे हैं वाइट कलर की, जो सफ़ेद कलर की पिस्टन दिख रही है फ्रेंड, ये पिस्टन का बहुत महत्व है इसका ब्रेक के अंदर में, जो कि अगर ये काम नहीं करेगा तो हमारा दोनों पिस्टन खुलेंगे नहीं और ब्रेक हमारा काम नहीं करेगा। तो देख सकते हैं इस तरह से अगर हम इसको दबाते हैं ऊपर से तो ये पिस्टन ऊपर के साइड में आएगा, दूसरे पिस्टन को धक्का देगा, तो ही हमारा दो हमारा ब्रेक का जो सिस्टम उसमें हवा देगा। तो फ्रेंड ये ब्रेक वाल में जो होता है हमारा, ब्रेक वाल में क्या होता है कि चार लाइनें आपने देखा होगा, जो दो अपने सेंसर है तो सेंसर में तो सीधा सीधा कि सेंसर है तो उसमें कोई लाइन लगेगा नहीं। अगर जैसे शादी में आती थी कि दो मीटर बॉक्स में आती थी लाइनें लगाने के लिए, तो उसमें लाइन लगाने के लिए आती थी तो उसमें क्या है कि दो लाइनें को तो मीटर में हवा मीटर में शो करने के लिए भाई हाँ हवा बन रहा है इतना, और इसमें जो चार लाइनें आती है
चार लाइनें आपको क्या काम की है उसका भी बता देता हूँ कि दो तो आपके टंकी से आती है जो डायरेक्ट टंकी से इसमें पेंडल वाल में लगती है, और दो जो है आपका सीधा सी है, दो जो है एक तो फ्रंट के लिए देता है हवा, जो कि फ्रंट के लिए आपको हवा देना ही है, और दूसरा जो इसमें से निकलता है फ्रेन वो आपका रियर, और जैसे कि आपकी ट्रॉली है तो ट्रॉली में देगा, और नहीं तो आपकी अगर जैसे कि 10 टायर की गाड़ी है 12 टायर की गाड़ी है तो उसमें ये काम करता है, जो कि रियर के लिए एक और फ्रंट के लिए एक। तो इसमें दो लाइनें मेन आती है जो डायरेक्ट टंकी से इसमें लगती है, और दो आपकी रियर और फ्रंट हब के फ्रंट के लिए देती है। तो फ्रेंड ये हमने कंप्लीट कर दिया है, 6x2 का हमने किट डाला है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।